अर्पिता और संजय की शादी को 12 साल गुजर चुके थे। उनका एक 10 साल का लड़का मोहित और 8 साल की चिताली नाम की एक लड़की थी, लेकिन फिर भी अर्पिता को एक बड़ी बेटी चाहिए थी, इसलिए उन दोनों ने एक लड़की को अडॉप्ट करने का प्लान किया। वह अनाथालय पहुंचे तो वहां वार्डन ने उनको एक बच्चे से मिलवाया जिसकी उम्र 14 साल थी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पल्लवी। अरे नहीं बेटा, इनसे मजाक मत करो। माफ कीजिए, इस बच्ची का नाम पिंकी है। ओहो, तो हमारी होने वाली बेटी को मजाक करना अच्छा लगता है। अर्पिता और संजय ने उससे थोड़ी देर बात की। अपनी समझदारी भरी बातों की वजह से वो उन दोनों को पसंद आ गई और उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। पेपर्स वर्क खत्म होने के बाद वो पिंकी को साथ लिए घर की तरफ रवाना हो गए। आज पहली बार पिंकी अपने नए माँ बाप के साथ उनके घर आई थी। पिंकी जैसे ही कार से अपने माँ बाप के साथ बाहर निकली, कई सारे कौवे काहे काहे करते हुए उन तीनों के सर के ऊपर मंडराने लगे। ये इतने सारे कौवे अचानक कहाँ से आ गए? शाम के समय कौवे की ये काहे काहे बहुत ही भयंकर लग रही थी। अब पिंकी भी उन कौवों को घूरने लगी और उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और जिस कौवे को वो देख रही थी वह कौवा किसी बम की तरह फट गया। उस कौवे के मांस के टुकड़े और खून जमीन पर आ गिरा। उसके बाद बाकी सभी कौवे वहां से ही चले गए। मम्मी, क्या यही हमारा घर है? हाँ बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। चलो अंदर चलते हैं। वो तीनों अंदर गए तो चेताली और मोहित दोनों ही पिंकी को अजीब निगाहों से देखने लगे। बच्चों, ये तुम दोनों की बड़ी बहन पिंकी है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। अरे वाह, मतलब ये मेरी दीदी है? ऐसा कहते हुए चेताली पिंकी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आइए दीदी, मैं आपको हमारा कमरा दिखाती हूँ। पिंकी भी खुश होते हुए उसके साथ उसके कमरे में चली गई, लेकिन मोहित के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। मुझे सौतेली बहन नहीं चाहिए, वो भी मुझसे बड़ी। ये कहकर मोहित चुपचाप अपने कमरे में चला गया और संजय और अर्पिता एक दूसरे को देखने लगे। दीदी, ये मेरा कमरा जो आज से आपका भी है, आप मेरे साथ यहाँ रहेंगी ना? इस पर पिंकी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, मेरी प्यारी छोटी बहन हो तुम, भला क्यों नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर उसने चेताली को गले लगा लिया और बाहर खड़े हुए अर्पिता और संजय ये देखकर खुश हो गए। थैंक यू संजय, अब मुझे मेरा परिवार कंप्लीट लग रहा है। संजय ने प्यार से अर्पिता के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। पिंकी चेताली के साथ उसी के कमरे में सो गई। थोड़ी देर बाद खिड़की पर एक बिल्ली आई। वो दोनों उठ गई और देखा कि खिड़की पर एक बिल्ली बाहर बाहर पिंकी को म्याओ कर रही है। चली जाओ यहाँ से, हमारे सोने का वक्त हो रहा है। इस पर बिल्ली और जोर जोर से म्याओ करने लगी और चेताली उससे बोली, अरे पुसी कैट तुम यहाँ? चेताली बेड से उठी और बिल्ली को पकड़कर अपने बेड पर ले आई। बिल्ली अभी भी पिंकी को ही घूर रही थी। चेताली ने मुस्कुराते हुए पिंकी से कहा, दीदी ये मेरी प्यारी सी दोस्त है पुसी कैट, आपको अच्छी लगी ना? इस पर पिंकी ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखा और बोली, ये बिल्ली कुत्ते बच्चों को ही अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं। इसको चुप कराओ और यहाँ से बाहर फेंक दो, मुझे अब सोना है। ये कहकर पिंकी ने करवट ली और आंखें बंद करके सो गई। पुसी कैट, तुमने दीदी को नाराज कर दिया ना? क्यों ऐसे म्याऊं कर रही हो? तुम तो इस तरह किसी पर म्याऊं नहीं करती। ऐसा कहकर चेताली ने बिल्ली को अपने पास ही लेटा लिया और उसको एक हाथ से पुचकारती हुई आंखें बंद कर लेट गई। कुछ देर बाद चेताली को नींद आ गई, लेकिन बिल्ली ने फिर से म्याऊं करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पिंकी फिर से उठ गई। उसने धीरे से बिल्ली का पैर पकड़ा और उसको चेताली से अलग किया। बिल्ली उसको पंजा मार रही थी, लेकिन उसके पंजों का पिंकी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और वो बिल्ली को हाथ में लिए बेड से उतर गई। सुबह हुई तो चेताली ने उठते ही पिंकी को किस किया। गुड मॉर्निंग दीदी। मॉर्निंग चेताली, अरे आप तो जाग रही है, मुझे लगा आप सोई हुई हो। मैं सो ही रही थी बेटा, लेकिन तुम्हारी प्यारी सी किस पाकर उठ गई। ओ अच्छा, अरे दीदी ये पूसी कैट कहाँ गई? वो तो मेरे साथ ही सोई थी ना।
इस पर पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। तभी चेताली ने देखा कि उसकी कबर से खून टपक रहा है। अरे ये मेरी कबर में खून कैसे टपक रहा है? चेताली उठी और उसने कबर को खोला और उसके अंदर पुसी कैट की लाश को देखकर उसको गहरा शॉक लगा। पुसी कैट! उसकी चीख सुनकर घर के बाकी मेंबर भी वहां आ पहुंचे। सभी ने देखा कि पुसी कैट की आंखें निकली हुई है और दो पैर भी जिस्म से अलग है। और पिता ने चेताली को अपने से चिपटा लिया क्योंकि वो बहुत शौक में थी। पास ही खड़ी पिंकी के चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं था, जैसे कि वो कोई 14 साल की बच्ची ना होकर कोई बड़ी लड़की हो। शाम के टाइम जब एरिया के सभी लोग गार्डन में टहलते और बैठने के लिए आते तो ये परिवार भी उस वक्त वहां चला जाता था। अर्पिता और संजय टेबल पर बैठे हुए चाय का मजा ले रहे थे। चेताली झूला झूल रही थी और पिंकी उसको झोंटे दे रही थी। वाह दीदी, बहुत मजा आ रहा है, और जोर से झुलाओ ना, और जोर से। इस पर पिंकी ने पूरी ताकत के साथ उसको झूला झुलाना शुरू कर दिया। अर्पिता और संजय दोनों को ही ये देख हैरानी हुई कि इतनी छोटी सी बच्ची झूले को इतना तेज झोंटे दे रही थी जितना कि उसमें किसी 25 साल की औरत की ताकत हो। तभी उसके सामने वाले घर में रहने वाला रोहन गार्डन में आया। वो एक 22 साल का लड़का था। चेताली को झूला झुलाते हुए पिंकी उसको इस तरह देख रही थी जैसे उसी की उम्र की कोई लड़की हो। रोहन भी उसको देखने लगा तो उसको पिंकी का देखने का तरीका बहुत अजीब लगा। रात होने से पहले सभी अपने घर पर आ गए। रात के ठीक 8 बजे जब रोहन अपने घर में अकेला था तो पिंकी अचानक से उसके कमरे में चली आई। तुम संजय की अडॉप्ट की हुई बेटी पिंकी हो ना? तुम यहाँ कैसे आई मेरे घर में? पिंकी ने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसने मेकअप बिल्कुल बड़ी लड़कियों के जैसा कर रखा था। मेरा नाम पिंकी नहीं, पल्लवी है, और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? इस पर पिंकी उसके करीब गई और उसका हाथ थाम कर बोली, आई लव यू। ये क्या बदतमीजी है? तुम पार्क में भी मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी और अब यहाँ भी? रोहन ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उससे दूर हो गया। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी लेकिन वह अभी भी बच्ची थी, इसलिए रोहन को उसके करीब जाना अच्छा नहीं लगा। तुम अभी के अभी घर जाती हो या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करूं? यह सुनकर पिंकी के आंसू निकल आए। वह वहां से अपने घर चली गई। अगली शाम को रोहन गार्डन में टहलने भी नहीं गया तो पिंकी को बहुत बुरा लगा। फिर रात के तकरीबन 12 बजे जब रोहन अपने कमरे में लेटा था तो अचानक से उसकी खिड़की का कांच टूट गया। अरे कौन है? रोहन उठा तो उसने देखा कि जमीन पर एक पत्थर के साथ एक कागज लिपटा हुआ है। उसी पत्थर के लगने से उसकी खिड़की टूटी थी। रोहन ने उस कागज को खोला और पढ़ने लगा। रोहन, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम अभी तुम्हारे घर के पीछे वाले मैदान में आ जाओ और इस लेटर को अपने साथ ही लाना। जरूर ये उस पिंकी ने लिखा होगा, आज इसको ठीक से समझा ही देता हूँ। ऐसा कहकर उसने वो लेटर जेब में रखा और अपने घर के पिछवाड़े पहुंचा। वहां उसने देखा कि पिंकी उसी तरह सजी धजी खड़ी है। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम बहुत अच्छी हो पिंकी, लेकिन अभी तुम बच्ची हो, मैं तुमको उस निगाह से नहीं देख सकता। ठीक है, मेरे साथ आओ, बस आखिरी बार मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर रोहन उसके पीछे हो लिया। वह रोहन को मैदान के बीच बनी एक बड़ी सी दीवार के पीछे ले गई। उसके बाद कुछ देर शांति बनी रही, फिर अचानक से रोहन की एक जोरदार चीख फिजा में गूंजी। यह आवाज सुनकर एक कुत्ता उस तरफ दौड़ा। उस कुत्ते ने देखा कि रोहन की लाश के पास पिंकी बैठी हुई है। उसके मुंह पर उसका खून लगा है और आंखें लाल लाल चमक रही है। मुझे माफ कर दो रोहन, अगर तुम मुझे बच्ची समझकर मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो मुझे तुम्हारा खून पीकर तुमको खत्म नहीं करना पड़ता। अब वो कुत्ता रोहन के शरीर से मांस खाने लगा और पिंकी मुस्कुराती हुई अपने घर को चल दी।